हाँ आ रहा हूँ। ओके संदीप भाई मैं निकलता हूँ फिर। क्या भाई कहाँ से आया है चीटी? घर से है। नमस्ते बेटा कैसे हो? वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? बाकी घर की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। हाँ पापा मैं रीना बोल रही हूँ, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ भैया मुझे और चिंकी को भी आपकी बहुत याद आ रही है। और तो और अगले हफ्ते में रक्षाबंधन आ रहा है, इस साल तो आपको पक्का राखी बनवानी ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। वैसे आप घर कब आने वाले हो? आपका संदेश हमें तुरंत भेजिए। हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब लाओगे, कि घर कब लाओगे, लिखो कब लाओगे कि तुम ये घर सोना सोना। सर सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। आप तो जानते ही हो दो साल से मैं घर नहीं गया हूँ, तो क्या इस साल मैं राखी को घर जा सकता हूँ? नहीं मम्मी, तुम तो जानते ही हो कश्मीर की हालत कुछ ठीक नहीं है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं। अच्छा तो यही रहेगा, तुम यही रुक जाओ। ओके सर। अच्छा संदीप सुनो यहाँ आओ, अगर तुम्हें जाना ही है तो ठीक है, 10 दिन तक जाके आओ फिर जल्दी लौटो। शुक्रिया सर। ए बेटा सुनो, आपके घर पे कोई बड़े हैं? हाँ मैं बुलाती हूँ। मम्मा आपके लिए कोई आया है। हाँ आ रही हूँ बेटा। जी बोलिए। आपके लिए पत्र आया है कश्मीर से। सासू माँ पापा चिंकी मिंकी जल्दी आओ, कश्मीर से चिट्ठी आई है। सच में? हाँ आ रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं यहाँ ठीक हूँ। माँ आप कुछ परेशान मत होना, मैं यहाँ पे समय पर खाना खा रहा हूँ। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि मैं 10 दिन के लिए घर आने वाला हूँ। मैं कल रात को यहाँ से निकलूँगा और शायद परसों तक पहुँच जाऊँगा। सच में? ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अच्छा बच्चों मुझे बहुत काम है, बहुत सारे पकवान बनाने हैं, चलो चलो सब अपने काम पे लग जाओ। क्या बात है भाई, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? घर जाने की परमिशन मिल गई है 10 दिन के लिए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई जल्दी चलो, आतंकवादियों ने हमला किया है। भाई तुम जाओ हम संभाल लेंगे। नहीं मैं लड़ूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। मन भरिया बदल गया।